26 मार्च 2007 जगह थी कश्मीर का कुपवाड़ा सेक्टर। यहीं पर हुआ था सेना का वो भयानक ऑपरेशन। करीब 20 जवान हथियारों से लैस उस काली रात में निकल पड़े थे। कुछ ही देर चले थे कि अचानक उन्हें अपने कदमों को रोकना पड़ा। इलाका एकदम सुनसान था, साय साय हवा चल रही थी, पक्षियों की अजीब सी आवाज आ रही थी, जंगल में एकदम खामोशी छा गई। कमांडर को किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। सैनिक संभलते उससे पहले ही एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा चुका था। यह कैसा मंजर था, आखिर जंगल की खामोशी क्या कह रही थी। यहीं पर एक जांबाज का नाम आता है, कैप्टन हर्षन। कैप्टन हर्षन की कहानी सुनोगे तो आपकी आंखें आंसू रोक नहीं पाएगी। हर कोई रो रहा था, आखिर उस जांबाज के साथ ये कैसे हो गया था। असल में जब हर्षन 5 साल के थे तभी वे अपनी उम्र के बच्चों से सबसे अलग थे। जिस उम्र में बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के सपने देखा करते हैं, मगर वो तो एक अलग ही राह पर चल पड़ा था। सेना की वर्दी उसे खूब भाती थी, आर्मी के रोल में वे हमेशा अव्वल आता था। उसने तय कर लिया था कि बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करेगा, मगर उस वक्त उस मासूम की उम्र ही क्या थी। लेकिन वर्दी से इतना लगाव था कि उसकी रातों में सपने भी सेना के ही होते थे। हर्षन के पिता बताते हैं कि जब वो चौथी कक्षा में था तब उसने जिद करके केरल के तिरुअनंतपुरम की सैनिक स्कूल में दाखिला लिया था ताकि वे अपने फौजी बनने के सपने को पूरा कर सके। सैनिक स्कूल में एडमिशन होते ही वे अपने साथियों के साथ ऐसा घुल मिल गया था कि बहुत कम समय में ही वह सबका चहेता बन गया था। खेल में तो वह एक बेहतरीन खिलाड़ी था, हर खेल का एकदम माहिर खिलाड़ी। अमूमन लड़के अपने किताबी सिलेबस में ही खोए रहते हैं, लेकिन वो अलग था। रातों में जगकर आर्मी का सिलेबस कवर करता था। इसी का नतीजा था जब वह 12वीं में पहुंचा तो फिर हर्षन को बेस्ट ऑलराउंडर कैप्टन बनाया गया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा भयानक मंजर भी उसके सामने आया था जिस एनडीए एग्जाम के लिए रात दिन एक कर दिए थे, और जब उसका रिजल्ट आया तो फिर हर्षन का कहीं नाम नहीं था। उनके सपने को तब तगड़ा झटका लगा था, उसका सपना पल भर में ही टूटकर बिखर सा गया था। उनके पिता राधाकृष्णन को लगा कि उनका बेटा सेना को लेकर कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस था, मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। सपना जरूर टूटा था लेकिन हिम्मत और जज्बा अभी भी जिंदा था। अब उसके पिता के सपने को अपना सपना मान लिया था और फिर अगला कदम इंजीनियरिंग की तरफ था। कड़ी मेहनत से उसने केरल की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया था, लेकिन अपने सपने को भुलाना नामुमकिन था। हर्षन ने फैसला किया कि वह एक बार फिर एनडीए का एग्जाम देगा, और वह भी अपने पिता से चुपके चुपके। और इस बार परिणाम सबके सामने था। जैसे ही एनडीए की परीक्षा पास की तो फिर यह खुशखबरी सबसे पहले अपने पिताजी को बताई, लेकिन पिताजी का झुकाव इंजीनियरिंग की तरफ था, इसलिए वे ज्यादा खुश नहीं हुए थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा इंजीनियर बने, लेकिन हर्षन को अपने सपने के इतना करीब आकर दूर जाना मंजूर नहीं था। असल में उसका सपना इंजीनियरिंग से कहीं बड़ा था, उसने तो बचपन में ही तय कर लिया था। उसके बाद वो नौजवान निकल पड़ा था अपनी मंजिल की ओर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उसकी ट्रेनिंग हुई। जब वहाँ से वो पास आउट हो रहा था तब उनके माता पिता भी उस सेरेमनी में शरीक हुए थे। तब हर्षन ने वहाँ मौजूद अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे एक जगह दिखाने ले गए। उस जगह का नाम था बलिदान मंदिर, जो उस मिलिट्री एकेडमी के अंदर ही मौजूद था। उसने माँ से कहा, देखो माँ, गौर से देखिए, ये नाम उन वीरों के है जिन्होंने वतन के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। क्या माँ तुम इन वीरों की माताओं का संदेश देख सकती हो? उनकी माताओं को कितना गर्व है अपने इन बहादुर बेटों पर। तुम्हें भी बहुत गर्व होगा जब तुम्हारा लाल देश के लिए कोई ऐसा बलिदान कर जाएगा। माँ की आंखें नम थी और फिर हर्षन को गले लगा लिया था। उसके इसी जुनून और जज्बे के जरिए उसका चयन भारतीय सेना की सबसे खतरनाक फोर्स पैरा एसएफ में हो गया था, और फिर उसकी ट्रेनिंग कश्मीर में हुई थी।
वो जाबाज यही नहीं रुका था, वह उन 6 यंग ऑफिसर में शामिल था जिन्हें ट्रेनिंग के लिए इसराइल भेजा गया था। हर्षन के इसराइल से लौटते ही उन्हें कश्मीर के बारामूला में पोस्टिंग दी। एक समय की बात है, तारीख थी 7 मार्च 2007 की। पैरा कमांडो कैप्टन हर्षन और उनकी टीम एक ऑपरेशन में जाती है और वहीं पर एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया था। वहीं पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी मिला था। उनका प्लान एक साथ कई जगहों को उड़ाना था, मगर उस जाबाज की लीडरशिप में उसे धराशायी कर दिया था। इसके लिए उन्हें कमांडिंग ऑफिसर ने पुरस्कृत भी किया था। जब उस आतंकी से पूछताछ की तो पता चला कि उनके कई साथी भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कुपवाड़ा सेक्टर के पूरे इलाके में घुसपैठ की साजिश कर रहे थे। कैप्टन हर्षन ने तुरंत ही उस इलाके में सर्च ऑपरेशन करने की अपने कमांडिंग ऑफिसर से इजाजत ली और कैप्टन और उसकी टीम कुपवाड़ा इलाके में उन आतंकियों को ढूंढते रहे, लेकिन इस बार उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस बीच उनके माता पिता जब भी पूछते कब छुट्टी लेकर आ रहे हो तो वह यही कहते, मेरी यहाँ जरूरत है, अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो किसी और को मेरा काम करना पड़ेगा। लेकिन कुपवाड़ा ऑपरेशन में असफल होने के बाद कैप्टन हर्षन आखिरकार छुट्टी ले ही ली थी और वो दिन था 26 मार्च 2007 का, जब वे घर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि पूरी तैयारी कर ली थी, बैग भी पैक कर लिया था और वे केरल के लिए निकलने ही वाले थे। तभी अचानक उनकी पलटन को कुछ इनपुट मिला, कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों को देखा गया। यह खबर जब उनके साथी ने सुनाई तो वो अपना बैग और सामान वही छोड़कर 20 जवानों की अपनी टीम लेकर कुपवाड़ा इलाके की ओर निकल पड़े थे। और फिर आमने सामने की कई घंटों तक चली उस गोलीबारी में आतंकियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ऑपरेशन सफल रहा और यहाँ भी कुछ आतंकियों को जिंदा पकड़ने में सफलता मिली थी। जैसे ही उनकी टीम वापस लौट रही थी तभी अचानक एक आतंकी ने उन पर गोली दागी। वो गोली कैप्टन की बॉडी को चीरते हुए निकल गई थी, लेकिन अभी भी सांसें चल रही थी। उनके साथी लगातार उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। घायल होने के बावजूद भी कैप्टन लगातार अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। कैप्टन हर्षन ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था और अपने साथियों की भी जान बचाने में सफल रहे थे। इससे पहले कि वे अपनी जीत का जश्न मना पाते तभी एक गोली उनकी गर्दन के आर पार हो गई थी। यह आतंकियों का छिपा हुआ स्नाइपर था। कैप्टन का शरीर लहूलुहान था और फिर अपने प्यारे वतन को सैल्यूट करके वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 26 साल के वीर सपूत ने अपने साहस पराक्रम का परिचय दिया था, अपनी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया था। उसने हारना कभी सीखा ही नहीं था, वह पैदा ही सफल होने के लिए हुआ था। उसने अपने माता पिता को दिया हुआ आखिरी वादा भी पूरा किया था। इस बार फर्क इतना था कि उसका बैग उसके साथ ही लाए थे। वह खुद बंद ताबूत में तिरंगे से लिपटा हुआ अपने घर आया था। माता पिता को अपने बेटे के खोने का बहुत दर्द था, परंतु उससे ज्यादा गर्व भी हो रहा था। वो माँ अपनी कोख को आज भी धन्य मानती है जिसने ऐसे योद्धा को जन्म दिया। आज पैरा कमांडो कैप्टन हर्षन का नाम IMA देहरादून के बलिदान मंदिर में अंकित हो चुका है। उनकी इसी बहादुरी के चलते कैप्टन को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था और उनके नाम एक रिकॉर्ड भी बन गया था कि सबसे कम उम्र में उन्होंने ही अशोक चक्र पाया था। नमन है ऐसी माताओं को जिन्होंने ऐसे शेरों को जन्म दिया। इस जाबाज के लिए 10,000 लाइक्स भी कम पड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।